नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग और आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी करने के क्या क्या लाभ हैं, क्यों हमें जल्दी तैयारी शुरू करनी चाहिए और किस प्रकार का पैटर्न इस समय सोसाइटी में चल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसके हमारे कई लाभ देखने को मिलते हैं। जैसा कि कहावत है, अर्ली बर्ड गेट्स अ वर्म, जो पहले शुरुआत करता है वो पहले पाता है। 12वीं के बाद आपने देखा होगा देश की समस्त प्रतिष्ठित परीक्षाएं, चाहे वो IIT की हों, चाहे वो नीट की परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं में 12वीं के बाद इनपुट लिए जाते हैं। माना जाता है कि इस समय जो स्टूडेंट का माइंड होता है बहुत फ्रेश होता है, बहुत क्रिएटिव होता है और वो लर्निंग कैपेसिटी में होता है। समाज का भी प्रेशर नहीं हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो उम्र का भी दबाव नहीं होता कि ज़्यादा उम्र होती चली जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो एक एंथुजियाज्म, एक जो जोश है उसके साथ वो अपनी पढ़ाई को कैरी करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में UPSC में जो सबसे खास बात इस समय जो नया पैटर्न में देखने को मिल रही है, UPSC में जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स है, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी वहां पर जो अभ्यर्थी है, एस्पिरेंट है, उसकी जो एक व्यवहारिक सोच है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसको वो डायमेंशन को कवर करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर UPSC अपने मैंडेट में ये बात कहता है कि 21वीं सदी का जो भारत होगा उसके जो चैलेंजेस होंगे उसको भिड़ने वाला, उसके सॉल्यूशन लेने वाला जो एस्पिरेंट है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप शुरुआत जल्दी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी लाभ मिल जाता है। इस एग्जाम में एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, ऐसा देखा जाता है कि इस एग्जाम की जो डायमेंशन है, जो रेंज है, जो एक सिलेबस का विस्तार है वो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम शुरुआती दौर में इसको पकड़ नहीं पाते हैं या स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बहुत अच्छा इस पर नहीं कर पाता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप कम उम्र में अपनी तैयारियां करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ इसको तैयार करते जा रहे हैं और ग्रेजुएट होते होते आप एग्जाम देते हैं। और अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो बहुत ही कम उम्र में, 22 साल की उम्र या 23 साल की उम्र तक आप अपनी गलतियां सुधार कर इस परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। यानी आपको अपने अटेम्प्ट खत्म होने तक का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार यह देखा गया कि बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत मेधावी स्टूडेंट सही तरीके से जब तैयारी नहीं कर पाते तो वो अपने अटेम्प्ट के आखिरी हिस्से में पहुंचकर UPSC क्रैक करते हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं होती है और ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS और IPS से वो दूर रह जाते हैं। उनको ये मलाल रहता है कि मेरे पास कुछ और अटेम्प्ट होते या मैंने जल्दी तैयारी शुरू की होती तो शायद मेरा सर्विस का डायमेंशन है वो बिल्कुल अलग होता। तो आपको यही जो इस समय रुझान चल रहा है, जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, इवन दो पेरेंट्स मैसेज करते हैं कि सर मेरा बच्चा अभी 10th में है, 11th में, और अभी से हम चाहते हैं कि वो तैयारी के लिए ओरिएंटेशन पा सके, तो बेस्ट टाइम जो होता है वो यही समय होता है जहां आपका प्रेशर कम होता है, माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, आप स्कूल से निकल कर आए होते हैं, मैथ्स पढ़ने की आदत होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ आप जुड़ते हैं, तो वहां पर ये जो सही समय है आप यहां से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। तो यहां पर अगर आप गलती करते भी हैं तो सुधारने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। दूसरा, अगर हम बात करें फ्रेश माइंड के साथ आप क्रिएटिव होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जाते हैं, और जो वासवान कमेटी या होता कमेटी ने अपनी बात कही थी कि जो यंग माइंड है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है, नर्चर करता है, वो अपनी कंट्री के बारे में सोच सकता है और अगर उसको सही दिशा दी जाए उसकी ऊर्जा को तो ये राष्ट्र निर्माण यानी नेशन के जो बिल्डिंग है उसको बनाने के बहुत काम आएगी। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एनर्जी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे वक्त हमारा बीतता जाता है ये एनर्जी कम होती चली जाती है। तीसरा, अगर बात करें कि यदि सरकार जैसे मेजोरिटी में आ चुकी है, अगर वासवान कमेटी, होता कमेटी की रिकमेंडेशन लागू कर दी जाए जहां उन्होंने कहा कि एज को घटा दिया जाएगा, यदि ऐसा होता है तो जो बाद में शुरुआत कर रहे हैं, बहुत देर से शुरुआत कर रहे हैं, उनको एक हानि होती हुई दिखाई पड़ती है। यानी इस कंडीशन में भी जब वर्स्ट कंडीशन हमारे सामने आती है तो भी आप अगर जल्दी तैयार करें तो उसके जो रिकमेंडेशन को लागू करने यानी उम्र घटाने की बात हो रही है, अगर ऐसा होता भी है तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्मूथली अपना एग्जाम दे सकते हो क्योंकि आपने बहुत ही पहले अपनी जो प्रोसेस है, अपनी जो योजना है उसको बना लिया था, उसको आपने कर लिया था और किसी भी तरह की एडवर्सिटी, कोई भी दुष्प्रभाव और उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और आप आसानी से जो है वो हर एडवर्सिटी को क्रॉस करके निकल जाएंगे क्योंकि आपने जो प्लानिंग थी वो बहुत ही पहले कर ली थी, 12th के बाद ही आपने अपनी डायमेंशन को तय करना शुरू कर दिया था। अगला है कम उम्र में सिविल सेवक बनना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सिविल सेवा अनुभव आधारित सेवा है, यानी आपका एक्सपीरियंस आपको बेहतरीन बनाता है। अब कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत अच्छे रैंकर के जो सर्वेंट होते हैं वो UPSC सर्वेंट वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो एक क्रिएटिविटी माइंड होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। सेवा में आप जितना समय आप बिताते हैं उतना ही ज़्यादा आप निखर कर आते हैं और राष्ट्र के लिए आप उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, आप 30 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति जो है वो सिविल सेवा में जाता है और एक व्यक्ति 22 साल की उम्र में सेवा में जाता है,
जो जो 22 साल उम्र में सेवा में जाता है उसका जो एक्सपीरियंस होगा, उसका जो एक अलग डायमेंशन में काम करने का अनुभव होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं कहा जाता है कि जो बड़ी उम्र में जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं कर सकता, डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। यहाँ बात हो रही है उसके एक्सपीरियंस की। जब प्रमोशंस मिलने की बारी आती है तो आपको प्रमोशन का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जो बहुत ही देर में पहुँचता उसको अंत में वो कितना भी बेहतरीन काम करे, लेकिन जो प्रमोशन का टर्म होता है वो उसको उतना अच्छा नहीं मिल पाता। तो अंत में ये लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा हमने नेशन के लिए किया, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन जो कम उम्र में बच्चे पहुँचते हैं उनको टाइमली प्रमोशन मिलता जाता है और धीरे धीरे जहां तक हम बात कर सकते हैं या सोचने में भी बहुत अच्छा लगता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, मुख्य सचिव की जो पोस्ट होती है कैबिनेट सचिव की, वो आपको मिले, आप सबसे धरोहर कहलाओ और राष्ट्र के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सेवा में उच्च स्थान प्राप्त करना। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप अपने जोश के साथ काम करते हो, बेहतरीन काम करते हो, आप बहुत ही हायर पोस्ट पे पहुंचते हो और इस हायर पोस्ट पे पहुंचने की वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की क्षमता, लोगों की जिंदगी में बदलाव करने की क्षमता, समाज में बदलाव करने की क्षमता, वो बढ़ती चली जाती है। और जब ये बढ़ती चली जाती है तो आपका जो उद्देश्य है, जो आपका पर्पज है कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, उस चेंज के लिए जो पावर चाहिए होती है, जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो आपको मिलता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स रहे। अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हो और अभी आपने 12th किया है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन थिंक अबाउट यूपीएससी। आप अपने जो सेगमेंट्स है उसको कर सकते हो, खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई गाइडेंस नहीं है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जोड़ सकते हो, जो कि कॉन्सेप्टर बैच के नाम से जाना जाता है। और अगर दिल्ली आकर अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ इसको कर सकते हो, केवल 50 बच्चों के लिए बैच, जहां पर एक गुरुकुल स्टाइल की जो टीचिंग है, यानी कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन के साथ, एक खास मॉनिटरिंग के साथ, वो हमारा 18 तारीख से शुरू हो रहा है और उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है उस बैच में। अपनी तैयारी को आगे लेकर चलिए, चाहे सेल्फ प्रिपरेशन करिए, अपने टीचर के साथ प्रिपरेशन करिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन करिए या दिल्ली आकर प्रिपरेशन करिए, बशर्ते आपको अगर ये बात समझ में आ गई होगी कि अर्ली बर्ड गेट्स अ वर्म, जो जल्दी शुरुआत करता है वो उसका हिस्सा हमेशा उसको ज़्यादा मिलता है, तो वो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट बहुत हेल्प करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप साइंस हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट हो, साइंस के साथ जाइए, कॉमर्स में इंटरेस्ट हो, कॉमर्स के साथ जाइए, आर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो आर्ट्स के साथ जाइए। जो इंटरेस्ट है कुछ करने का, जो एक जज्बा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप इसको अगर प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम कर सकते हैं। और जैसा एक बहुत अच्छा लगता है कहने में कि कम उम्र का एक आईएएस ऑफिसर, दुनिया आपको याद रखेगी, 21 साल 22 साल का एक लड़का या एक लड़की जो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन के निकला, वो एक नया डायमेंशन, एक नया इतिहास लिख सकता है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, और मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपके दिमाग की जो उलझन होगी उसको एक नया डायमेंशन मिला होगा, आपकी उलझनें खत्म हुई होंगी और आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम में लेकर जा सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये जो जिंदगी के 2 से 3 साल हैं, आपकी लाइफ के गोल्डन जो साल हैं, यहां पर आप अपने और अपने साथ साथ जाने कितने लोगों की जिंदगी में कितने परिवर्तन कर सकते हैं, ये आप देखते जाइए।